हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ पूनम और पीनम का तड़का में आप सभी का स्वागत है। दीपावली गई कि नहीं, छठ का पर्व आ गया है और ये नवंबर का महीना ऐसे ही पूरा त्योहारों में ही बीत जाएगा, तो डेली कुछ ना कुछ तो नया बनाना ही पड़ता है। तो आज मैं बना रही हूँ नारियल के लड्डू। तो इसके लिए यहाँ पर हम लिए हैं 2 चम्मच घी, और घी जैसे मेल्ट हो जाएगा हम गैस का फ्लेम एकदम मीडियम लो कर देंगे। ये जो नारियल का लड्डू मैं आज बना रही हूँ, ये फ्रेश नारियल से नहीं बना रही हूँ। इसके लिए हमने लिया है नारियल का बुरादा। तो यहाँ पर हम लिए हैं 200 ग्राम नारियल का बुरादा और इसको हम डाल दिए हैं। अब मीडियम लो फ्लेम पर इसको हम 2 मिनट तक भूनेंगे, जिससे कि जो नारियल है इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगेगी और ये सोंधे सोंधे लगेंगे भूनने के बाद, और इससे जब हम लड्डू बनाएंगे तो लड्डू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। इस नारियल बुरादे को भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी ये भून करके तैयार हो जाते हैं, और गैस का फ्लेम अगर हम हाई रखेंगे तो ये बहुत जल्दी ये जल भी जाएंगे। इसे हम बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बस 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पर भूनेंगे, और जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसको भूनना बंद कर देंगे। इस नारियल के लड्डू में मैं ना मिल्क पाउडर का यूज करूंगी ना मावे का यूज करूंगी। इसे मैं बहुत ही आसान तरीके से बनाऊंगी, जिसे कोई भी अपने घर पे बहुत ही आसानी से बना सकता है, जहाँ पे कोई भी सामान ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो ये देखिए, हमारा नारियल बहुत अच्छे से भुन गया है। तो इसमें अब हम डाल देंगे 1 लीटर दूध। तो ये दूध हम लिए थे और इसको हम गर्म भी कर चुके हैं, फुल क्रीम दूध है, तो इसको पूरा मैं इस नारियल में डाल दूंगी। आप चाहें तो इसमें कच्चा दूध भी डाल सकते हैं, पर मैंने दूध को पहले ही सुबह लिया था तो इसलिए हम गर्म कर लिए थे दूध को। तो यहाँ मैंने सारे दूध को डाल दिया है। अब इसको हम चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे जैसे ये दूध हमारा गर्म होता जाएगा और ये नारियल का जो बुरादा है वो दूध को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये फिर गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। इसे हम लगातार चलाते रहेंगे और चलाते हुए पकाएंगे। अगर इसको हम चलाना बंद कर देंगे तो ये पैन के तले में बैठ भी जाएगा, जिससे जल जाएगा और दूध जो है उबाल आने की वजह से ये बाहर फेंक देगा। मैंने थोड़ी कढ़ाई छोटी ली है, आप इसके लिए जो है थोड़ी बड़ी कढ़ाई लीजिएगा। उससे क्या होता है, चलाने में बहुत आसानी रहती है, गिरने का डर नहीं रहता है। तो ये देखिए, हमारा दूध एकदम गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है, और जैसे जैसे ये गाढ़ा होता जाएगा इसका कलर थोड़ा चेंज होता जाएगा। नारियल की बहुत सारी रेसिपीज मैंने ऑलरेडी शेयर की है अपने चैनल पर, अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पर जा करके देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर, मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इसी तरीके से हम इसको चलाते रहेंगे, और यहाँ पर मैंने इसमें 1/2 कप चीनी डाल दिया है। चीनी को भी इसमें मिक्स करते हुए चलाएंगे। यहाँ मैंने चीनी थोड़ा कम डाला है, आप अपने टेस्ट के अनुसार, थोड़ा मीठा ज़्यादा खाते हैं तो आप चीनी थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। त्यौहार की वजह से डेली कुछ ना कुछ मीठा तो बनाना ही पड़ता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार ये जो लड्डू बनाऊँ इसको थोड़ा हल्का ही मीठा बनाऊँ, क्योंकि ज़्यादा मीठा खाना भी अच्छा नहीं होता है हेल्थ के लिए। तो इसीलिए मैं इसे थोड़ा हल्का मीठा ही बनाऊंगी। तो ये देखिए, चलाते चलाते ये जो है नारियल जो दूध में बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। तो इसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डालने से जो है इस लड्डू का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो आप हरी इलायची को कूट करके भी डाल सकते हैं। अब इसे भी हम अच्छे से इसी में मिक्स कर लेंगे। इसको हम लगातार चलाते रहेंगे, इससे बहुत ही ज़्यादा बबल्स उठ रहे हैं और छींटे पड़ रहे हैं बाहर। तो इसको जब हम चलाएंगे तो ये जो छींटे हैं ये कम पड़ेंगे। आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप ये लड्डू बनाइएगा थोड़ी बड़ी कढ़ाई लीजिएगा, उससे क्या होता है जलने का डर कम रहता है। मेरी ये जो कढ़ाई है थोड़ी छोटी है, इस वजह से छींटे बहुत बाहर निकल रहे हैं। तो इसको हम इसी तरह से चलाते रहेंगे जब तक ये अच्छे से गाढ़े ना हो जाएं। चीनी डालने की वजह से, चीनी जब मेल्ट हुई है तो थोड़ा ये दूध जो हमारा ये पतला हो गया था, लेकिन इसको हम ऐसे चलाते रहेंगे तो ये और जल्दी गाढ़ा हो जाएगा। मार्केट में तो नारियल के लड्डू मिलते ही हैं, लेकिन जब घर पर हम बनाते हैं तो नारियल के लड्डू जो हैं वो फ्रेश रहते हैं, ताज़े रहते हैं और हाइजीनिक भी रहते हैं, जिससे इसको अगर आप 2 की जगह 4 भी खा लेंगे तो ये नुकसान नहीं करेगा। लेकिन अगर हम मार्केट से ला करके खाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान करता है। हमारे यहाँ बच्चे जो हैं वो घर की मिठाइयाँ ही खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए मुझे अक्सर मिठाइयाँ घर में ही बनानी पड़ती हैं। बच्चे कहने लगे कि नारियल की बर्फ़ी ख़त्म हो गई है तो इस बार नारियल के लड्डू बनाओ, तो मैंने सोचा चलो नारियल रखा ही है तो नारियल के लड्डू ही बना डालते हैं।
तो ये देखिए ये बहुत अच्छे से अब गाढ़ा हो गया है, लेकिन इसको अभी हम 5 मिनट तक और ऐसे चलाते हुए थोड़ा और गाढ़ा कर लेंगे, जिससे लड्डू बनाने में जो है बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी, ये हाथों में चिपकेगा नहीं। इसको हम इसी तरह से चलाते रहेंगे मीडियम लो फ्लेम पर। त्योहारों के समय में तो अक्सर मिठाइयाँ घर में ही बनानी चाहिए, क्योंकि जो है त्योहार में मिठाइयाँ महंगी भी हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा फ्रेश भी नहीं रहती हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे मिलावटी चीज़ें पड़ी होती हैं। तो इस वजह से हमेशा आप कोशिश ये कीजिए कि हमेशा मिठाइयाँ घर में ही बनाइए, क्योंकि मिठाई बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और न ज़्यादा सामान की ज़रूरत पड़ती है, और ख़ास करके नारियल के लड्डू या नारियल के बर्फी, इसमें तो कोई ज़्यादा सामान की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अगर आप चाहें तो मिल्क पाउडर डाल सकते हैं, अगर आपके पास मिल्क या मावा नहीं है आप मावे से भी बना सकते हैं। आप ही नारियल के लड्डू बिना मावे, बिना मिल्क पाउडर, बिना मिल्क के भी बना सकते हैं, सिर्फ चीनी डाल करके। लेकिन जो है दूध डाल देने से ये होता है कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो ये देखिए बहुत गाढ़ा हो गया है, और अब इस गैस को हम ऑफ कर देंगे और इसे अच्छे से इकट्ठा करके रख देंगे ठंडा होने के लिए, क्योंकि अगर हम गरम गरम लड्डू बनाएंगे तो ये क्या होगा, हमारे हाथ जल जाएंगे। तो ये देखिए नारियल और दूध का जो मिक्सचर है वो ठंडा हो गया है। तो हम थोड़े थोड़े पोर्शन लेंगे और हाथों से इस तरह से रोल करते हुए इसको हम लड्डू का शेप दे देंगे। हम मीडियम साइज़ के लड्डू बना रहे हैं, अगर आप चाहें तो इससे थोड़ा बड़ा या इससे थोड़ा छोटा भी बना सकते हैं। तो इसी तरीके से हम थोड़ा थोड़ा ले करके हाथों में लड्डू बना लेंगे। जो दूध हम लिए थे वो भी फुल क्रीम था, और जो नारियल होता है उसमें भी आयल होता है, तो ये आयली है थोड़ा, तो इस वजह से हम हाथ में कोई आयल वगैरह नहीं लगाए हैं, और इसको बनाते समय बहुत आसानी से बन भी रहा है, हाथों में ज़रा सा भी ये चिपक नहीं रहा है। तो इसी तरह से हम सारे लड्डू को बना लेंगे। ये लड्डू खाने में जितना ज़्यादा टेस्टी है उससे भी बहुत आसान है इसको बनाना। इसको तो कोई भी बना सकता है, जिसको कोई भी मिठाई बनानी नहीं आती है वो भी बहुत आसानी से इस लड्डू को बना सकता है। तो ये देखिए यहाँ पर मेरे सारे लड्डू बन करके तैयार हो गए हैं। अब हम इसको थोड़ा सा सजा देंगे। तो इसको सजाने के लिए इसको ऊपर हम लगा देंगे सिल्वर वर्क। इससे क्या होता है, ये देखने में भी अच्छा लगता है। वैसे नॉर्मली तो मैं नहीं लगाती हूँ, लेकिन त्योहारों का सीजन चल रहा है, मेहमान आते जाते रहते हैं घर पे, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा इसको अच्छे से बना दें। आप चाहें तो इस नारियल के लड्डू को ड्राई फ्रूट से भी गार्निश कर सकते हैं, उससे भी ये देखने में अच्छे लगते हैं और खाने में तो टेस्टी लगते ही हैं। तो इसके ऊपर आप थोड़े से पिस्ता काट करके, बादाम, काजू डाल करके अच्छे से गार्निश कर दीजिए। तो ये देखिए हमारे ये नारियल के लड्डू बन करके एकदम फाइनल तैयार हो गए हैं, और इसको मैं मीडियम साइज़ की बनाई हूँ। आप देख सकते हैं कि कितने देखने में अच्छे लग रहे हैं और खाने में तो टेस्टी होंगे, आप तो पता ही है। तो देखिए हमारे घर में सब खाने के लिए बिल्कुल खड़े हुए हैं कि कितनी जल्दी मिल जाए लड्डू खाने को। तो आप भी इस तरह से लड्डू बनाइए और सभी को खिलाइए, और मेरे वीडियो को लाइक से और मेरे चैनल पर अपनाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे अगली नई रेसिपी के साथ। थैंक